हेलो बेटी, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। कल जो हमने लास्ट टाइम किया था वो क्या किया था? कल हम कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ द कंडक्टर। उसमें हमने एक कर लिया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कर चुके थे। अब करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड कर लिया था। इसके साथ ही अब हमें क्या करना था? हम जब न्यूमेरिकल्स देख रहे थे तो हम लास्ट टाइम पे न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। न्यूमेरिकल्स में हमने देखा कि अगर हमें ऐसे शेप की वजह से निकालना हो, ठीक है, कुछ इस टाइप की शेप की वजह से यहाँ पर निकालना हो, यहाँ पर निकालना हो, या फिर हमें क्या दे दे, कुछ ऐसे दे दे, यहां पर अगर हमें निकालना हो, करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, और अगर हमें इन पॉइंट्स पर, ये सारे पॉइंट्स को मैंने ओ मान लिया, इन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम इजीली निकाल सकते थे। किसका यूज करके? एक तो बायोसावला का यूज करके, और दूसरा किसका यूज करके? हाँ, जिसको तुम बायोट स्वार्ट्स लॉ बोलते हो, ठीक है, उसका यूज करके। साहिला से बोल रहा है, मैडम आप बायोट स्वार्ट्स बोला करो। अब देखो, बायोट स्वार्ट्स लॉ का यूज करके एक तो, और दूसरा जो हमने कल निकाला था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके। याद है या भूल गए हो भाई? किस किस को याद है? हाथ ऊपर करो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो ड्यू टू करंट कैरिंग जो सर्कुलर कॉइल थी उसकी वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया था, तो उसकी वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया था, टोटली जो फाइनली हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया था वो क्या निकाला था? म्यू नोट आई अपॉन में 2 R, ठीक है, ये हमने निकाला था। हमने सारी काटापीटी कर दी थी, बट हमने क्या किया, यहाँ पर अपने कॉन्स्टेंट के साथ छेड़खानी कर दी। अब हमें अलग अलग वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, तो क्यों ना जो कॉन्स्टेंट था उसकी वैल्यू हमें फिक्स पता है, रिमेम्बर है, तो हम इस कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट ही बना दें। और ये क्या था? म्यू नोट अपॉन 4 पाई। तो इसी के साथ जो साइड में फैक्टर था वो क्या था? 2 पाई आई अपॉन आर, ठीक है, ये फैक्टर था हमारे पास। अब जो 2 पाई है ये क्या है, एक्चुअली क्या है? सर्कुलर कॉइल के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। अब जो 2 पाई है वो एक्चुअली क्या है? वो है कि यहाँ पर जो सेंटर पर एंगल बन रहा है पूरी कॉइल की वजह से वो है। तो 2 पाई क्या है यहाँ पर? एंगल सबटेंडेड बाय कॉइल एट द सेंटर। कॉइल जो सेंटर पर एंगल बना रही है वो है हमारे पास 2 पाई, ठीक है। तो इसकी वजह से तो हमने इजली निकाल दिया था, इस वाले पोर्शन की वजह से, और इस पोर्शन की वजह से क्या था? मैग्नेटिक फील्ड 0। और ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा? 1/4 है सर्कुलर कॉइल का, तो 1/4 ऑफ दिस, ठीक है। अब इसके बाद ये जो पोर्शन है ये 1/2 है सर्कुलर कॉइल का, सर्कल ही है बेटा, ठीक है, सर्कल ही है, ये 1/2 है सर्कुलर कॉइल है, उसका 1/2 है, तो वो वहां पर आप वो पुट कर देंगे। तो इस तरह से आपको जो भी गिवन हो आप उस तरह से कर सकते हो। बट व्हाट इन दिस केस, इस केस के लिए हम जो स्पेशल केस है सर्कुलर कॉइल का, वो क्या है? वो स्पेशल केस। अगर हम मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर ऑफ द कॉइल वो क्या आ जाएगा? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इन टू दिस एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय कॉइल एट द सेंटर, बाय कॉइल एट द सेंटर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो इस वाले पोर्शन की वजह से 0, और 0 क्यों होता है? व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। इस पोर्शन की वजह से भी 0, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दिस? अब ना तो ये हाफ है, ना ही फुल है, ना ही 1/4 है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें पता चलेगा कि जो कंप्लीट जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है? 2 पाई। उस टाइम पे हमारे पास ये थीटा एंगल गिवन होगा, तो यहाँ पर जो एंगल है इसकी बजाय मैं क्या लिख दूंगी? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू में थीटा, ठीक है, एंगल सबटेंडेड। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आप लोग और नोट डाउन कर लीजिएगा साथ के साथ, ठीक है। ये बाकी आपकी न्यूमेरिकल्स इसी से आते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा फंसा था वो क्या फंसा था कि यहां तक तो है, अब क्या मैडम? अब क्या यहाँ पर फील्ड निकालना है, अब क्या करें? ये तो चलो इसके किसके ऊपर है? एक्सिस के ऊपर है।
इसकी वजह से निकाल देंगे, बिकॉज इट इज 1/4 ऑफ द कॉइल, 1/4 पार्ट है ना कॉइल का। अगर 1/4 पार्ट नहीं भी होता तो ये यहां से लेते, ये कुछ एंगल गिवन होता, अब एंगल गिवन होता तो एंगल के हिसाब से निकाल देते। व्हाट अबाउट दिस, क्योंकि ये तो एक्सिस पर नहीं है। अब जब एक्सिस पर नहीं है तो हमें तो कुछ तो निकालना ही पड़ेगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो टॉपिक आप लोग नोट डाउन कीजिए, एंड दैट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, हमारे पास अब हम इसके लिए क्या निकालेंगे, डेरिवेशन निकालेंगे। ठीक है, तो जो हमने सर्कुलर कॉइल के लिए निकाला उसमें भी हमने क्या किया था, उसमें भी हमने और इसमें आप लोगों को गिवन क्या है, I is the current flowing through the conductor, okay? आप लोगों को given है कोई straight current carrying conductor, let us say XY, ठीक है? I क्या है वहाँ पर? Current flowing through the conductor, ये आप लोगों को given है। Numerical में बिल्कुल given मिलेगा ये, ये current carrying conductor है, जाता उधर बना देना, diagram भी तो बनाएंगे। ये मान लिया X, ये मान लिया Y, ठीक है? It is the conductor. इस पॉइंट पर आपको निकालना है, क्या निकालना है इस पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की जो स्ट्रेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमारे पास, वो गिवन मिलेगी आप लोगों को, और वो हम मान लेते हैं P। ठीक है, व्हाट इज दैट P, P मान ली हमने, ये पॉइंट हमने मान ली P, और इसकी जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है उसको मैं मान लेती हूँ A, कि ये डिस्टेंस आप लोगों को A गिवन है। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास, इधर मैंने क्या बना लिया, फाई वन एंगल, ठीक है, और इधर मान लिया फाई टू एंगल। क्यों? क्योंकि मान लो कि हमें तो क्या करना है, छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स की वजह से हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं। अब छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स की वजह से निकाल सकते हैं तो यहां पर कुछ होगा। ठीक है, यहाँ कोई करंट एलिमेंट ले लिया, फिर यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया, इस तरह ऊपर ले लिया, इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है ना ये पॉइंट, तो इस पॉइंट से ऊपर भी ले सकती हूँ, नीचे भी ले सकती हूँ, दोनों चीजें ले सकती हूँ। मतलब जो ये पॉइंट है ये कहाँ से कहाँ पर वेरी करेगा, हम इसमें कंडक्टर की लेंथ नहीं बोलेंगे, हम क्या बोल देंगे कि ये पॉइंट जो एक्स है, मतलब जो लेंथ है, वो कहाँ से कहाँ पर वेरी करती है, फाई वन से फाई टू में वेरी करेगी। कहां से कहां तक वेरी करेगी, फाई वन टू फाई टू, बिकॉज मान लो मैंने यहां पर करंट एलिमेंट माना है dl, मैंने इसको माना है, ओके, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है मेरे पास, l, कंडक्टर की इतनी मान ली कि ये डिस्टेंस है l और ये है dl। अब मैंने इतना फैक्टर तो ले लिया, ऊपर वाले फैक्टर का क्या, इसका क्या करूंगी, तो हम क्या करते हैं जब हमें इस तरह से निकालना होता है, तो हम, ये हमारे पास पॉइंट है, इस एंड को इससे मिला देते हैं और इस एंड को इस पॉइंट से मिला देते हैं। ठीक है, मतलब और ये जो एंगल है ये आपके पास दोनों वेरी करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एंगल की वेरिएशन देखो, अगर कंडक्टर इतना है तो आप x इक्वल्स टू माइनस l टू प्लस l वो चीजें नहीं ले सकते, आप क्या लेंगे, एंगल की वेरिएशन लेंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज पॉइंट इज हियर, पॉइंट कुछ दूरी पर है,
पॉइंट दूरी पर है ना, और वो किस पर डिपेंड करेगा, एंगल पर। ये मान लो यहां से होता पॉइंट तो क्या होता, ये इस तरह से। अब जब आप मैथमेटिकली करते हो, एलजेब्रिकली करते हो, तब क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है यहां पर जो करंट एलिमेंट है उसकी वजह से कुछ और होगा, यहां पर जो करंट एलिमेंट है उसकी वजह से कुछ और मैग्नेटिक फील्ड होगा, होगा ना। अब आप लोगों को हर एक पॉइंट के लिए एलजेब्रिकली ये डिस्टेंस निकालो, ये आपको पता है, मान लो ये आपको पता है, तो ये वाली डिस्टेंस निकालो हर एक पॉइंट के लिए और फिर उनका सम करो। दैट वाज अ लिटिल बिट नहीं, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। तो क्या किया गया, जब भी हमें फिजिक्स में हम फंसते हैं तो हम किसके थ्रू जाते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर मतलब जहां पर एंगल्स का यूज होता है, ठीक है, एंगल्स एंड रेडियस का। तो हमने यहाँ पर एंगल का यूज करना ज्यादा बेटर समझा, हमने बता दिया कि जो एंगल है यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट ने जो एंगल बनाया परपेंडिकुलर के साथ, और इस पॉइंट ने जो फाइनल एंडिंग पॉइंट है इसने जो एंगल बनाया परपेंडिकुलर के साथ, ये हो गई हमारे पास लिमिट। अब देखो फाइ वन जो इससे ऊपर है वो तो क्या हो गया, पॉजिटिव, वो तो हमने ले लिया पॉजिटिव, और फाइ टू क्या ले लिया, नेगेटिव। अब ये मैंने ऐसा क्यों लिया, मान लो मैंने यहाँ पर 30 डिग्री एंगल लिया, ठीक है, और इसको बता दिया कि ये 50 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। नो बेटा, इट इज नॉट द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये बिल्कुल भी कहीं पर भी कंडीशन नहीं है कि दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। जब हम स्पेशल केसेस देखेंगे उस टाइम भी इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है, ये कुछ भी एंगल हो सकते हैं। और एंगल किस चीज पर डिपेंड करेगा, कि पॉइंट पूरे कंडक्टर पर कहां पर लाई करेगा। मान लो इसमें यहां पर कर रहा है, हो सकता है कि ये कंडक्टर, ये पॉइंट यहां पे लाई करे, तब देखो तब क्या ऐसा बनेगा, ये इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगल कुछ है ना। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं है, ये क्या है, एक सेट ऑफ एंगल हर एक पॉइंट के लिए। ये चीज लिख लेना, फॉर एवरी पॉइंट देयर विल बी ए यूनिक सेट ऑफ एंगल, एक यूनिक सेट होगा एंगल्स का, ठीक है, एवरी पॉइंट ईच पॉइंट के लिए यूनिक सेट होगा एंगल्स का। अब देखो यहां से फाइव वन से फाइव टू, ठीक है, एंगल कहां से कहां वेरी कर रहा है, फाइव वन से फाइव टू। अब मान लीजिए ये 30 है और ये 50, अब मैं ये कह दूं कि यहां से क्या है, यहां से 50 एंगल है, मतलब वो सेट तो ऊपर भी बन रहा है और नीचे भी 50, ऊपर भी और 50 नीचे भी, तो दोनों तो गड़बड़ हो गई। अब जब ये गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूं, मान लो कंडक्टर इतना बड़ा था, ठीक है, अब मैं क्या करूं, ऊपर वाला लू या नीचे वाला, यहां पर मैंने कहा है कि यूनिक सेट होता है एंगल्स का, ठीक है, रिपीटेड नहीं होगा किसी भी पॉइंट के लिए, सेट रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। अब जब सेट रिपीट नहीं करेगा तो ऊपर वाली जो वैल्यूज थी एंगल की उनको तो ले लिया मैंने पॉजिटिव, और जो नीचे वाली थी उनको ले लिया नेगेटिव, तो ये करेगा 512 - 52, ठीक है, एंगल की वेरिएशन पता चल गई, एंगल कहां से कहां वेरी करेगा, 512 - 52, ठीक है, और एक्स भी इसी तरह से कंप्लीट वेरी करेगा। अब बिकॉज ऑफ दिस आई डी एल स्मॉल करंट एलिमेंट, ये जो हमारे पास स्मॉल करंट एलिमेंट है इसकी वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहूं, इस पॉइंट को नाम दे दें ओ और इसको सी, इस तरह से नाम दे देते हैं बेटर रहेगा हमारे लिए। तो अगर मैं स्मॉल करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, वही हमारे पास, तो बायर सॉर्ट्स लॉ लगा दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बट दैट गिव्स ओनली स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एंड ओनली बिकॉज ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट, आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, यही होता है हमारे पास आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अगर मुझे कंप्लीट लेना है तो मैं क्या करूंगी, इसका इंटीग्रेशन, बट बिफोर दैट ये जो डीएल है इसको मैं क्या कर दू, रिप्लेस कर दू, ठीक है, बिकॉज आई हैव नोट द लिमिट्स ऑफ डीएल, मेरे पास तो डीएल की लिमिट नहीं है, लिमिट सिर्फ किसकी है, फाई की लिमिट है, और इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़ चुके हो कि हमारे पास हम उसी चीज का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लिमिट उसी पर अप्लाई कर सकते हैं जो अंदर क्वांटिटी गिवन हो, जो वेरिएबल गिवन हो, लिमिट्स किसकी गिवन है, अगर ये x कंफ्यूज कर रहा है तो लो फाइ लिख लो खुश, ठीक है। अब देखो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई,
ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो हो गया कॉन्स्टेंट। आई जो करंट है वो भी क्या हो गया कॉन्स्टेंट, मान लो इट इज गोइंग इन अपर डायरेक्शन। ओके डीएल क्या है, डीएल के लिए तो हमें डीएल की लिमिट चाहिए थी बट वी डू नॉट हैव, थीटा के लिए हमें थीटा की लिमिट चाहिए थी बट वी डू नॉट हैव, तो हम क्या करें डीएल को भी किस में कन्वर्ट कर लें थीटा में, ठीक है मतलब फाई की फॉर्म में, और साइन थीटा को भी किस में कन्वर्ट कर लें फाई की फॉर्म में, आर को भी किस में कन्वर्ट कर लें फाई की फॉर्म में। आर क्या है ये इस डीएल एलिमेंट की यहां से यहां पर डिस्टेंस, थीटा क्या है ये एंगल जो बना रहा है पॉइंट जो करंट एलिमेंट बना रहा है उस पॉइंट के साथ। तो अब हमें करना है इनको कन्वर्ट, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे हमारे पास वही है थीटा के लिए लगाओ जो जो हमारे पास रिलेशन है। अब एक चीज देखो ये जो आपके पास ट्रायंगल है इन ट्रायंगल पीओसी, इन ट्रायंगल पीओसी, पीओसी ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइ टू एंगल, ठीक है फाइ ये तो अभी से इस एंगल को आप फाइ मानो, ओके ओनली फाइ, वो तो हमने एंगल की वेरिएशन दिखाई थी आप लोगों को, अभी ये क्या है फाइ क्योंकि हम सिर्फ नीचे वाले फैक्टर की बात कर रहे हैं, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एलिमेंट, वो लिमिट्स हैं बिल्कुल हैं वो लिमिट्स, और ये जो फाइ वन फाइ टू है ये कहां पर होते हैं एंडिंग पॉइंट से, जब आप एंडिंग पॉइंट से लाइन ड्रॉ करोगे तो ये कंप्लीट एंगल बनता है फाइ टू और ये सॉरी फाइ वन बाहर लिख देती हूँ, और ये वाला जो कंप्लीट यहां से यहां पर बनेगा ये बनेगा फाइ टू, ठीक है। अब हम किस की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर की, ओके एंड डोंट गेट कंफ्यूज, अगर कंफ्यूजन में हो तो मैं उसको रब भी कर सकती हूँ बट इस लाइन को रब कर लो, ठीक है क्योंकि इस लाइन के लिए तो हम कोई करंट एलिमेंट ले नहीं रहे हैं, ये वाला कंप्लीट एंगल क्या हो गया हमारे पास फाइव वन, ओके फाइव वन। अब देखो यहां से हमारे पास क्या आएगा, हमें ट्रायंगल ले ली थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव किसके बराबर है 90 डिग्री के, क्यों है बिकॉज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये है हमारे पास 90, तो टोटल सम कितना होता है 180 में से 90 माइनस कर दो तो इन दोनों का सम कितना आएगा 90, दैट मीन्स क्या आ जाएगा हमारा, हमारे पास आप साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं ना साइन 90 माइनस फाइव, नहीं लिख सकते क्या, ये साइन थीटा है दिस इंप्लाइज थीटा बराबर 90 माइनस फाइव, अब साइन थीटा की जगह यहां पर रख दो साइन 90 माइनस फाइव, ये हो गया हमारे पास फाइव की फॉर्म में। अब साइन 90 माइनस एंगल क्या होता है कोस ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं, तो साइन थीटा की जगह आ गया हमारे पास, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो इक्वेशन सेकंड, ओके अब बात कर लेते हैं डीएल की, ठीक है डीएल की जगह लिखना है तो डीएल तो हम कहां से डीएल के लिए निकाले, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकाले फिर उसका उसके लिए देखें, तो उस चीज को ना देखकर हम क्या कर लेते हैं एल निकाल लेते हैं पहले फिर उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो एल क्या हो जाएगा व्हाट विल बी एल हियर इसी ट्रायंगल में, एल क्या बनेगा बताओ जल्दी से क्या बनेगा, ये क्या है इस ट्रायंगल के लिए अगर फाइ की फॉर्म में अगर मैं देखना चाहूं तो ये वाला क्या है फाइ एंगल के सामने वाली डायरेक्शन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या बनता है एल बाय आर क्या बनेगा साइन फाइ, ठीक है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या बन जाएगा एल बाय आर साइन फाइ बन जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है अब आर नहीं पता वो तो वही दिक्कत हो जाएगी, तो इसके लिए एल बाय ए ले लो आप क्योंकि ए भी पता है और ये क्या बन जाएगा टेन फाइव, एल किसके बराबर आ गया ए टेन फाइव के, इसका कर दो डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा ए तो कांस्टेंट है सीकेंट स्क्वायर फाइव डी फाइव, चलो डीएल की जगह ये वैल्यू रख देंगे कोई दिक्कत नहीं है रख देंगे आराम से। अब बच गया एक आर, आर भी नहीं पता है हमें, आर भी किसके फॉर्म में चाहिए फाइव की फॉर्म में चाहिए, तो इसी ट्रायंगल में फिर से देखो हमें ए पता है ए बाय आर करेंगे तो क्या बनेगा बेस अपॉन इसको इक्वेशन थर्ड, नाउ ए बाय आर, नाउ ए बाय आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास कोस फाइव, कोस फाइव ए किसके बराबर आ गया आर कोस फाइव, ए किसके बराबर आ जाएगा आर कोस फाइव,
और आर किसके बराबर आ जाएगा, आर ही निकालो ना डायरेक्ट यहां से, आर किसके बराबर आ जाएगा, ए अपॉन में कोस फाइव। ये हो गई इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब ये जो इक्वेशन हैं सारी पुटिंग वैल्यू ऑफ टू थ्री एंड फोर इन वन, टू थ्री और फोर से वैल्यू हमें रखनी है वन में, तो क्या बन जाएगी हमारे पास, डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। आई तो एज इट इज था, कॉन्स्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डीएल की जगह रखना है ए सेकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव, साइन थीटा की जगह रखना है कोस फाइव, ए सेकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव, साइन थीटा की जगह कोस फाइव अपॉन में ए अपॉन कोस फाइव का स्क्वायर। ठीक है, कोई गड़बड़ी तो नहीं की है, गड़बड़ होगी तो देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तब। इनको मैं कर देती हूँ अब इरेज, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था। अब इन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इतनी भयानक शक्ल कौन देखेगा बार बार में। तो देखो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, सीकेंट स्क्वायर फाइव की जगह क्या रख सकते हैं हम, वन अपॉन कोस फाइव रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ए हो गया ये और वन अपॉन कोस स्क्वायर फाइव, ठीक है ये हो गया। इसके साथ ही एक कोस फाइव यहां पर है और ये है आपके पास डी फाइव, ठीक है। और नीचे क्या बच गया, ए अपॉन कोस फाइव का स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर फाइव, ठीक है। कोस स्क्वायर फाइव से कोस स्क्वायर फाइव कैंसिल, ए से एक ए कैंसिल, क्या बचेगा, डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, क्या बन जाएगा कोस फाइव डी फाइव, आई को कहां भूल गए, आई कोस फाइव डी फाइव अपॉन में ए। अरे वाह आ गया भाई यही आना चाहिए था, ठीक है आ गया है हमारे पास। अब ये सारी चीजें हमारे पास नोन है, जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स में गिवन मिलेंगी वो सारी चीजें अब हमारे पास है नोन। अब हम क्या कर दे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, करो इंटीग्रेशन। फाइव है डी फाइव है, डी फाइव की लिमिट हमें पता है, तो इस साइड तो आ जाएगा बी और इस साइड क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए, ये तो आ जाएंगे बाहर बिकॉज दीज आर फिक्स क्वान्टिटीज, कोस फाइव डी फाइव माइनस फाइव वन सॉरी कहां से फाइव वन टू माइनस फाइव टू, या फिर कर लो माइनस फाइव टू माइनस फाइव वन, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, ठीक है। आप देखो इसको नीचे क्या माना मैंने, इधर फाइव वन मान लो ठीक है और इधर फाइव टू, अब कर लो माइनस फाइव वन टू फाइव टू, ठीक है नीचे से लेकर ऊपर तक कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस माइनस फाइव वन टू फाइव टू, ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। उस टाइम पे मैंने नीचे फाइव टू मान रखा था बेटा, ठीक है, बट उससे फिर यहां पर तुम्हें कंफ्यूजन होती, तो यहां पर कंफ्यूजन ना हो उसके लिए वो चेंज कर दिया है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन में ए साइन फाइव और कहां से कहां तक माइनस फाइव वन टू फाइव टू, ठीक है माइनस फाइव वन से फाइव टू आ जाएगा। आप देखो जब ये माइनस फाइव वन से फाइव टू आएगा हमारे पास, आप कर दो इनकी लिमिट्स पुट, म्यू नॉट अपॉन फोर बाई आई अपॉन में ए साइन फाइव टू माइनस साइन माइनस ऑफ फाइव वन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या बनेगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा, तो इसको माइनस को बाहर ले आएंगे, ये सिर्फ साइन में होती है ये प्रॉपर्टी साइन फाइ वन। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट, ठीक है, एंड द पॉइंट हैज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम स्ट्रेट कंडक्टर। अब बात कर लेते हैं हम इसके स्पेशल केसेस की, स्पेशल केसेस की। फर्स्ट देखो, अगर फर्स्ट कुछ ऐसा हो जाए हमारे पास कि जो एंगल है वो दोनों का सम कितना आ जाए 90, अगर दोनों का सम 90 आएगा तो क्या होगा हमारे पास, ये 52 है ना, ठीक है दोनों का सम 90 आएगा तो एक तो हो जाएगा
मान लो एक एंगल को हमने थीटा मान लिया, दूसरा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर थीटा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा रखेंगे वो क्या बन जाएगा, कोस थीटा। अगर ऐसा हो कि इस कंडक्टर की लेंथ, इफ कंडक्टर हैज, कंडक्टर हैज इनफाइनाइट लेंथ, इसकी लेंथ क्या हो, इनफाइनाइट हो लेंथ, एंड द पॉइंट पी, पॉइंट पी लाइज इन मिडल ऑफ कंडक्टर, पॉइंट पी क्या करे, कंडक्टर के मिडल में लाई करे। अगर ऐसा होगा तो आप लोग देखो बहुत लंबा है, लंबे को आप इधर लेकर आओगे तो ये ऑलमोस्ट कितना एंगल बना लेंगे, देखो इस तरह से है, और मान लो ये इसका मिडल पॉइंट है कंडक्टर का, यहां से जब आप लेकर आओगे इसका तो ये ऑलमोस्ट आपको कैसा दिखाई देगा, परपेंडिकुलर दिखाई देगा, ठीक है, ऑलमोस्ट कैसा दिखाई देगा, परपेंडिकुलर, मतलब फाइव वन भी उस टाइम पे 90 हो जाएगा, फाइव वन बराबर फाइव टू बराबर 90, दोनों क्या हो जाएंगे 90, बट इट इज द स्पेशल केस ओनली व्हेन कंडक्टर हैज इनफाइनाइट लेंथ, सिर्फ कब होगा, जब कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी हो, इनफाइनाइट हो, अगर ये केस होगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो देखो 51 और 52 की जगह रख दो, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाय ए साइन 90 प्लस साइन 90 कितना बन गया, दोनों 1 क्या आ गया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन में ए, ठीक है, 1 प्लस 1 2 और 2 आई अपॉन ए। तो आप लोगों से सिर्फ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में ना पूछ के ये भी पूछ सकता है कि इफ कंडक्टर हैज इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, वो तो हमने फाइनाइट लेंथ के लिए निकाला था, अगर कंडक्टर की इनफाइनाइट लेंथ है तो, अगर कंडक्टर की इनफाइनाइट लेंथ है तो हमारे पास दोनों ही एंगल किसके बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी का सेकंड केस, इफ कंडक्टर हैज इनफाइनाइट लेंथ एंड द पॉइंट पी लाइज नियर वन एंड, नियर वन एंड ऑफ कंडक्टर, अगर वो एक एंड के पास लाई करेगा तो एक एंड के पास लाई करेगा तो एक एंगल तो क्या बन जाएगा 90 और दूसरा एंगल क्या बन जाएगा 0, ठीक है, कैसे बन जाएगा भाई, यहां से देखो वही बात है, पॉइंट पी यहां से लाई करता है, ठीक है, यहीं पर लाई करता है, ये इसका एंड है यहीं पर, तो ये तो बन गया 90, बट ये देखो इससे जो दूसरा एंगल बनना था वो तो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट पे ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है उसकी, तो वो क्या बन गया 90, तो 5 हो जाएगा 90, तो इसके लिए अगर रखेंगे तो यहां पर रख देंगे साइन 0 और फिर जो केस बनेगा वो क्या बनेगा आई बाय ए, ठीक है। तो अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन आ जाए, प्रूव दैट, प्रूव दैट, क्या क्वेश्चन आ जाए, प्रूव दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड एट मिडल पॉइंट, एट मिडल पॉइंट ऑफ द कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज डबल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ द कंडक्टर। तो आप क्या करोगे, पहले वो डेरिवेशन निकालोगे जो हमने निकाला साइन 90 प्लस 90 का, फिर उसके बाद ये, और फिर कर दोगे फ्रॉम वन एंड टू दिस एम्प्लाइज, ठीक है। अब उसमें अगर आप लोगों को क्वेश्चन देखना है 5 नंबर का है तो कंप्लीट डिराइव करके दिखाओगे, अगर 3 नंबर का है तो आपको कंप्लीट डिराइव करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा बताओ, थोड़ा बताने के बाद यहां से ये एंगल बता दो कि जब 90-90 होगा तब इस तरह से होगा, मतलब मिडल पे होगा तो दोनों थीटा जो 51 52 है वो 90 बन जाएंगे, और अगर एक एंड पर होगा तो हमारे पास क्या होगा, एक 90 बन जाएगा दूसरा 0, दोनों ये निकाल दो, एक की वजह से ये आ गया, ये इसको लिख लेना बी एंड ई लगा देना, यहाँ पर बी मिडल, ठीक है, ये बन जाएगा म्यू नोट 4 पाई 2 आई बाय ए, ये हो गया इसका डबल, यही आपसे प्रूव करवाया है। तो अब देखो भाई एक और केस हो सकता है कि अगर कंडक्टर की फाइनाइट लेंथ हो, ठीक है, अगर कंडक्टर की फाइनाइट लेंथ, इफ कंडक्टर हैज फाइनाइट लेंथ, एंड पॉइंट पी लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर, पॉइंट पी कहां पर लाई करे, राइट बाइसेक्टर ऑफ द कंडक्टर, राइट बाइसेक्टर पर
लाई करें, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे, तो इसके लिए देखो अगर ऐसा हुआ तो दोनों क्या हो जाएंगे, फाइव वन बराबर फाइव टू हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, फाइव के। इस टाइम पर दोनों ही एंगल्स क्या हैं, सेम हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन बोथ द एंगल्स आर सेम, ठीक है, फ्रॉम मिडल पॉइंट। जब दोनों ही एंगल्स सेम हो मिडल पॉइंट से, या फिर आपको कहते हैं राइट बाइसेक्टर पर। तो देखो दोनों एंगल सेम होंगे, फाइव वन और फाइव टू दोनों क्या होंगे, बराबर। मतलब ये भी फाइव है और ये भी क्या है, फाइव। ये क्या थी हमारे पास, ये जो डिस्टेंस थी ये कितनी थी, ए। अब राइट बाइसेक्टर पर करेगा तो कंडक्टर की लेंथ एल है, तो ये ऊपर तक की लेंथ भी एल बाई टू और ये वाली लेंथ भी एल बाई टू, ठीक है, राइट बाइसेक्टर पर है। नेक्स्ट यहां से अगर ये निकालना चाहे तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर एल बाय टू का स्क्वायर और अंडर द रूट ए बनेगा ना, एल बाय एल स्क्वायर बाय फोर आ जाएगा बेटा, है ना, एल बाय टू का स्क्वायर एल स्क्वायर बाय फोर, तो ये बन जाएगी। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था उससे बी क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए साइन फाई प्लस साइन फाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, दोनों टू साइन फाइव बन गया, टू आई अपॉन में ए और साइन फाइव। साइन फाइव की अगर आपको फाइव की वैल्यू ना गिवन हो तो आप क्या करोगे, साइन फाइव निकाल दो, यहां से क्या बनेगा, साइन फाइव क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एल बाई टू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में फोर, ठीक है, ये आ जाएगा, ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन ए और ये क्या आ जाएगा आपके पास, एल बाय टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय फोर, तो ये आपके पास बन गया है। तो इस तरह से जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो भी आप लोग इजिली लगा सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आप लोग इजिली कर लेंगे। नेक्स्ट अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। और कल किसी बच्चे ने डाउट पूछा था कि मैम वो जो डायरेक्शन है ना सर्कुलर कॉइल की वजह से वो आपने कैसे निकाल दी और वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का फंडा क्या था। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखो फिर से एक बार, अगर मेरे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसकी वजह से अगर आप अपनी तरफ देखो ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप ऊपर से देखोगे तो इसमें जो आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा उसकी डायरेक्शन ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। जब आपको डायरेक्शन ऐसे दिखाई दे रही है तो एंटी क्लॉकवाइज है, हम ऊपर से देख रहे हैं, आप इस तरह से देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। लेकिन वहीं पर मैं जब इसे यहां से देख रही हूं तो ये मेरे लिए क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। जब मैं नीचे से देख रही हूं तो मेरे लिए क्या है, ये क्लॉकवाइज है, क्योंकि मेरी आंख इधर है ना, मेरे लिए तो क्लॉकवाइज ये होगा, जो तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज है वो मेरे लिए क्या है, क्लॉकवाइज है। दैट्स व्हाई जो डायरेक्शन है उसमें फर्क पड़ता है कि आप सर्कुलर कॉइल को ऊपर से देख रहे हो, मतलब ऊपर से देख रहे हो कॉइल को, या फिर नीचे से देख रहे हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब तक आप खुद से इस चीज को एनालाइज नहीं करोगे ना तब तक महसूस नहीं होगा। अच्छा ठीक है, यहां से देखो, अब ये आप लोगों के लिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है जब आप ऐसे देख रहे हो, बट फिर मैं ऐसे घूम जाऊं, आप देखो क्या अभी क्लॉकवाइज नहीं है, मेरा हाथ घुमा है ना, क्या अभी क्लॉकवाइज नहीं है, है ना क्लॉकवाइज। अब क्लियर हो गया, कंफ्यूजन मैडम। नेक्स्ट है, अगर आप लोगों के पास कोई सर्कुलर कॉइल है तो आप क्या करो, आप ज्यादा कुछ करो ही मत, आपकी जो ये है राइट हैंड है इसको लो, आपकी जो ये है फिंगर्स इनको आप क्या करो, करंट के डायरेक्शन में रख दो, करंट के डायरेक्शन में घुमाओ, तो आपका जो थंब है वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देगा। और ये जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, और क्लॉकवाइज में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहां चला जाएगा, ऐसे होता तो क्या हो जाता, क्लॉकवाइज में इनवर्ड, ठीक है। तो ये था हमारे पास, अगर इसमें देखेंगे तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया था, अगर पॉइंट बी ट्रिक से कैसे भी याद रख लो तुम, पॉइंट बी लाइज ऑन व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड पॉइंट बी लाइज ऑन राइट साइड ऑफ द कंडक्टर देन एट दैट टाइम द डायरेक्शन विल बी इनवर्ड एंड ऑन लेफ्ट साइड इट विल बी आउटवर्ड्स। बट
अगर करंट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आउटवर्ड और लेफ्ट साइड में इनवर्ड, या फिर आप वही है पाम रूल यूज करो, करंट की डायरेक्शन में आपका थंब और जो आपके पास आर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में आपकी पाम, ये फर्स्ट फिंगर इस तरह से, ओके? ये हो गया एंगल थीटा जो बन रहा है इनके बीच में जो बन रहा है। तो ये देखो ना यहाँ पर ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है मेरे थंब के अलोंग और जो पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में है, ये थीटा एंगल बन रहा है। तो आप क्या करो, सिर्फ आपको परपेंडिकुलर बना देना है उस पॉइंट पर और वो भी इस वाली साइड में, इस वाली साइड में, ठीक है? तो ये परपेंडिकुलर हो गया इधर, तो मतलब अंदर की साइड चला गया, ओके? आई थिंक ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ ये होता है या साउथ पोल, ये अब आप लोगों को बताना है, ठीक है? अब मैंने बहुत पढ़ा लिया है, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी, क्वेश्चन नहीं उससे पहले वो देख लो ना, एक न्यूमेरिकल देख लो। अगर आप लोगों को इस तरह से कोई स्क्वायर कॉइल गिवन है और ये इसकी जो डिस्टेंस है ये कितनी गिवन है, ए, ठीक है? आपसे पूछा है कि इसके सेंटर पर आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या करोगे, ये ए बी सी और डी, हमने स्क्वायर कॉइल की वजह से तो नहीं पढ़ा है बट हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। दैट मीन्स आप इनका क्या करो, अलग अलग निकालो और सबको क्या कर दो, ऐड कर दो डायरेक्शंस के अलावा, ठीक है? सबकी वजह से जो जो है, आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपसे किसी एक साइड की वजह से पूछे तो आप क्या करोगे, आपको तो क्या देखना है, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है? अब ये जब पूरी ए है तो ये क्या होगी, ए बाय टू, और ये भी क्या होगी, ए बाय टू। आपको पता है ये जो एंगल है ये कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, तो ये हाफ में से जा रही है ना, ये भी 45, अब ये 45 है तो ये 45, इसी तरह ये एंगल भी कितना है, 45। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा है तो क्या आ जाएगा, b बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई i बाय a साइन 45 प्लस साइन 45, 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि दो हो गए, दोनों सेम है, 2i बाय a साइन 45, ठीक है? अब साइन 45 आप कैसे निकालोगे, एंगल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये दूरी तो हो गई a बाय 2, और ये वाली दूरी कैसे निकलेगी बताओ जल्दी से, ये a बाय 2 और ये a बाय 2, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i बाय a, परपेंडिकुलर कितना है a बाय 2, नीचे a स्क्वायर बाय 4 प्लस में a स्क्वायर बाय 4 अंडर द रूट, ठीक है? क्या बन जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i बाय a a बाय 2 और नीचे से क्या आ जाएगा, 2a बाय 2 रूट 2, ठीक है? ये कैंसिल, क्या बन जाएगा आपके पास, म्यू नोट अपॉन 4 पाई रूट 2 i बाय a, ठीक है? जो भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन हो उनको आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो यहाँ पर और फिर आपके पास वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है? अब अगर इसमें डायरेक्शन अपवर्ड साइड है, मान लो ये जब डायरेक्शन यहाँ पर डाउनवर्ड साइड है, तो इसकी वजह से जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो कैसे जाएगा, डाउनवर्ड में कैसे दिखाएं आपको, है ना? बाहर की तरफ आएगा, ठीक है? अब वो राइट हैंड पाम रूल में ऐसे उल्टा हाथ करके कैसे लगाऊं, नहीं लगेगा। तो आप क्या करोगे, पेज पर, तो पेज को उल्टा उल्टा कर देख लो, बोर्ड पर कैसे लगाऊं, तो जब ये करंट नीचे की तरफ जा रहा है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, पॉइंट इधर है, तो ये कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, इसकी वजह से बाहर आएगा, ठीक है? इसकी वजह से तो डायरेक्शन बता दी, ये सिर्फ कब था, जब ओनली इस साइड की वजह से बतानी है। अगर इस वाली और इस वाली दोनों साइड की वजह से बतानी है तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, बट एक की वजह से बाहर दूसरे की वजह से अंदर, टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए चारों साइड्स का टोटल जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो, सेंटर के ऊपर जीरो हो जाएगा टोटल। आप देखो नेक्स्ट जो है आपके पास, ना ना जीरो कैसे हो जाएगा नालायको, देखो इसमें तो नीचे की साइड है, ठीक है? जब करंट नीचे की साइड है तो ये बाहर की तरफ आ रही है, बट इसमें कहां पर है, करंट ऊपर की साइड है, तो भी कहां पर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ, तो ये ऐड होगा, जीरो नहीं होगा, कुछ समझते ही नहीं, ठीक है? तो ये हो जाएगा ऐड अप, इन सब की वजह से ऐड होगा। इसमें भी जब करंट इधर आ रहा है तो बाहर की तरफ आएगा, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो एक की वजह से इतना आ गया, चारों की वजह से क्या आएगा, चार से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4√2 i/a। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है,
नेक्स्ट हम करेंगे कल।